अच्छा अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो घर का बिजनेस तो घर में रहेगा, ऐसे में इंजीनियरिंग कराने में कोई नुकसान नहीं है। हमारी किटी का मार्गदर्शन आपको ही करना है। आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना। क्या रूम है, इतने अच्छे से सजाया। अरे ये इसे कहते हैं किस्मत खुलना। ये हमारा रूम है और यहाँ पे हर चीज हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि माय लाइफ माय चॉइस। अरे यार अगर इतनी बुरी लगती है तो क्यों चिपकता है उससे 24 घंटे। लड़की अच्छी है पर तुम्हारे जैसी नहीं है। मेरे जैसी मतलब मैं कैसी हूँ? तुम थोड़ी अलग हो, सबसे डिफरेंट। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है, कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, मुझे जाने दो, खोलो दरवाजा। कितने वेले, नहीं ये कंकड़ फेंक रही है। हमारे जासूस ना एकदम बेरोजगार है, कोई नया केस नहीं मिला क्या? इसीलिए हमने तरस खा के सोचा कि कुछ दिखा देते हैं। हाँ, है ना? हाँ। दिखाओ दिखाओ। तुम ऐसा क्या दिखा दोगी? ये रहो, देखो देखो। ओहो, लहला मजनू दी सेल्फी, क्या बात। अदरक देख, फालतू तो बोलेगा नहीं। हाँ बेटे, फालतू की बात तो मैं उस दिन करूंगा जिस दिन तेरे बाबूजी को बताऊंगा सेल्फियों के बारे में। वैसे लड़कियों के मामले में नहीं पड़ते हैं और सेल्फी तुरंत खिंचा लेंगे। वैसे आप ये फोटोज हमें क्यों दिखा रही हैं? हाँ हमें क्यों दिखा रही है, ऐसा क्या इसमें? प्लीज ले ले अपना फोन वापस दे दे। इसमें ये कौन है? अरे लैला मजनू है यार, और क्या है। किटी ध्यान से देखिए, लगता है इन तीनों में से एक ही का दिमाग है। दिमाग का फैसला बाद में कर लेंगे, पहले ये बताइए लड़की कौन है। अरे यही है जिसने हमारे चिप्स के पैकेट और जूस वगैरह चुराए थे। स्लाइड करो, ये जो पीछे है ना यही लड़की है। हाँ ये, हाँ ये राइट वाली, कुछ चुरा तो रही है वो इसने। एक काम करते, इसी जगह वापस चलते, पता लगाना होगा ये लड़की है कौन। डन। एक सेकेंड, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुझसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। यू कैन गो। फोन दो इसको। चलो लैला का है? लैला, लैला, करिश्मा। वो उसे कुछ काम इसलिए नहीं आई। ओके। ब्यूटी पार्लर जाने को काम नहीं कहते। क्यों? तुम्हें किसने बताया कि वो पार्लर गई है? मुझे कैसे पता होगा, पता तो तुझे होगा ना। हमें क्यों पता होगा, हम सेक्रेटरी उसके। नहीं वो क्या है वो मुझे नहीं पता, वो तो दिख रहा है फोटो। बहुत ज्यादा बोल रही, उधर देखो। चलो तू कम बोल क्योंकि तू सारा ना प्लान खराब कर देगा। घटिया प्लान, एक नंबर का घटिया प्लान है। सेम जगह पे चोरी करने कोई वापस क्यों आएगा? क्यों क्यों नहीं आ सकता, सिर्फ तू और करिश्मा आ सकते क्या सेल्फी लेने? हम चोरी करने नहीं गए। अच्छा तो वो लड़की चुराने की मोटे से आई होगी। क्या भाई आप दोनों, जब देखो तब झगड़ते रहते हैं। तारा व्हाट्स योर एज? 11। अरे 11 साल की बच्ची क्या गया, ढेड़ उमड़ के बूढ़े लड़ रहे हो तुम। दिस इज नॉनसेंस, डिस्गस्टिंग। बच्चे हाँ मैं, पर बच्चों जैसा बिहेव आप दोनों कर रहे हैं। या तू अपने भाई को क्यों नहीं समझाती, ये हमेशा क्यों स्टार्ट करता है चीजें? फालतू बात किसने शुरू की? अच्छा तो मैं ही करती हूँ ना फालतू, तू तो कुछ करता ही नहीं है। अरे जान रही है वो, भाग रही है, पकड़ियो उसे। अरे पकड़ ले।
रोनी कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? डरिए मत, हम आपके लिए लाए थे। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम, बस बताओ हो कौन तुम? बेटे रोने की जरूरत नहीं है यार, हम आइस पाइस खेल लेते। धप्पा देखिए मत, हम आपके दोस्त हैं, बताइए ना कौन है आप, क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो, ऐसा लगता है ना सालों से कुछ खाया ना उसने। ओ महाराज, कहाँ से सोचते हो तुम भैया, साल तो से पैदा हुए ना होंगे। अदरक इधर आओ। हाँ जी यार, तुम हमारी सारी बात काटते क्यों? भाई मैंने ऐसा सुना है शौक बड़ी चीज है। अच्छा, पता है हमारा शौक क्या है? पीटना। आई रिमेम्बर, सॉरी। सुनो, इसे कितनी चोट लगी है। ये हमारा नाम तारा है, क्या नाम है बताइए ना, हम आपके दोस्त हैं। बताओ बेटा। एक काम करते, इसे ना अर्जुन चाचू के पास ले जाते। तुम्हारा नाम क्या है? नाकुश। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? आप रोइए मत, आप घूम गई हैं, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। देखो, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, अगर तुम कुछ नहीं बताओगी तो फिर हम सब लोग तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हर कोई आपका फ्रेंड है, बताइए ना आप। बताओ कहाँ से आई हो, घर कहाँ है तुम्हारा, बोलो। शक्करपुर। शक्करपुर? शक्करपुर कहाँ है? पता नहीं, मैं ट्रक में बैठ कर आ गई। ट्रक में आई थी, इसका मतलब शक्करपुर पास में नहीं है। बेटा आप चिंता मत करो, हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। क्या हुआ ना कुशल? मुझे घर नहीं जाना। अरे घर क्यों नहीं जाना? मम्मी पापा के पास नहीं जाना? नहीं, नहीं जाएंगे घर। क्या हुआ, घर पे किसी ने डांट दिया क्या? बाबूजी और दादी मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते, जरूर आपने कोई शरारत की हो। लगता है ये घर वालों के डांट के डर से भाग कर आई है, इसे से घर पहुंचाना होगा। मुझे घर नहीं जाना, वो मुझे मार देंगे। आप मेरी माँ को बचा लो प्लीज। मार देंगे? कौन मार देगा? बताइए ना, हम सब आपके दोस्त हैं। बाबूजी और दादी। बाबूजी और दादी? अरे क्या खाना हजम नहीं हो रहा क्या उन्हें? ऐसे कैसे मार देंगे, देश आजाद हो तो कुछ भी करेंगे क्या? बताओ मुझे, वो क्यों मारना चाहते हैं तुम्हें? क्योंकि हमसे कोई खुश नहीं है, कहते हैं कि मैं कुछ काम की नहीं हूँ। तू जल्दी मर क्यों नहीं जाती? इतना मारा तुझे, तुझे तो मौत भी नहीं आती। एक बेटा नहीं जन सकती तू? तू बेटा पैदा नहीं कर सकती ना, चली जा, जाके कहीं मर जा, चल ऐसे, ताकि मैं अपनी जिंदगी खुशी से आगे बढ़ा सकूं। लड़का लड़का लड़का, क्या सब मेरे याद में है? अब क्या करूं? लड़के के चक्कर में दो बार बच्चा गिरवा चुकी हो, औरत तो कभी समझा ही नहीं है, बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के लाए थे ना मुझे, थोड़ी तो इंसानियत रखते। जमान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जमान लड़ाएगी? देख देख आज मैं तेरा क्या कहा, क्या हाल करता हूं मैं तुझको और तेरी बेटी दोनों को आज मैं भगवान के पास भेज दूंगा। कैसा बाप है यार, लड़का लड़की में फर्क करता है यार। यार हिसाब 50-50 का होना चाहिए, मैं स्कूल नहीं गया मुझे पता है ये बात, यार आधा आधा मिलाकर ही तो फुल होता है। प्लैनेट 50-50। गूगल क्या तू ही कर सकते है रे? हैं? इसके बाबूजी को भी वारिस चाहिए होगा ना, खानदान का नाम बढ़ाने वाला। तो खानदान का नाम तो तू भी आगे बढ़ा सकती है, ऐसी बातें कर रहे हैं यार लोग, क्या पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं इसके बाबूजी। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं भाग कर आ गई। अब प्लीज मेरी माँ को बचा लो, मुझे मरना नहीं है, अब मेरी हेल्प करोगे ना? रोशनी जी,
ये तो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है। हाँ, आप क्या करेंगे? पहले तो हमें शकरपुर ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से बदलीपुर के आसपास दो शकरपुर है और मुझे वहां के थाना SHO को खबर करनी पड़ेगी। नकुशा तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। प्रिंस नाम है हमारा। मार दिया भाई ने डायलॉग। नकुशा, तुम बदलीपुर क्यों आई? यहाँ पर मेरी नानी और नाना रहते, इसीलिए मैं उनसे हेल्प मांगने आ गई। बेटा क्या नाम है उनका? मैं तो कभी भी उनसे नहीं मिली, उन्हें सिर्फ फोटो में देखा है। तुम उनसे कभी नहीं मिली? और वो भी आपसे कभी मिलने नहीं आए? तुम्हारे पास कोई फोटो है उनकी? अजीब सी बात है, मतलब यार देखा ही नहीं उन्हें कभी। माँ कहती है कि बाबूजी को पसंद नहीं कि नाना नानी हमारे घर आए। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कमला। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं है। अभी कहा ना आपसे, देखिए पुलिस अंकल भी आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ। इस वक्त ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं है, पहले ही बहुत देर हो चुकी, अभी हमें इसे सेफ हाउस ले जाना चाहिए। प्रधानी नमस्ते। नमस्ते। यही बच्ची? जी हाँ, यही है नकुशा। देखो बेटा, बिल्कुल भी मत घबराना, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, रात बहुत हो गई, इस वक्त चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और सेफ हाउस में ले जाना ठीक नहीं होगा। आप तो वैसे भी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, आपको क्या लगता है बताइए। प्रधान जी, मेरे ख्याल से तो हम इसे अपने घर ले जाएं। अब दादा जी, चाचू, अच्छा वैसे नखुशा, आप हमारे घर चलेंगी? तो ठीक है, हम आपको अपने घर ले चलते। इस बहाने तारा के साथ इसका मन भी लग जाएगा। क्यों? वहां प्रिंस को देखकर वैसे भाग जाएगी। डॉक्टर प्रिंस, थैंक यू। किस लिए? लड़कियों के मामले में पढ़ने में। सराया बना दिया है। जिस लड़की को देखो मुंह लेकर यहीं चली आती है। हवेली का मान सम्मान सब खत्म हो रहा है, ये सब यहां नहीं चलेगा, समझी? ये पहले से ही डरी हुई है, आप ऐसे बोलकर इसे और डरा रहे हैं। डर क्या होता है, कभी देखा है आपने? बाबूजी, रोशनी मैम हमारी मेहमान है और हमारी माम भी। बहुत जवान चलने लगी है तुम दोनों की, लड़कियों के साथ बहुत घुलने मिलने लगे हो। मना किया था हमने, पर दादाजी ने तो कभी मना नहीं किया। क्योंकि दादाजी के कान भरती हैं तुम्हारी ये रोशनी मैडम, लेकिन ये मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम बताएं हमारी प्रॉब्लम क्या है। बताइए ना, बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ओहो, शुरुआत हम तुमसे ही पहले। नारायण, हो क्या रहा है यहां? जिंदा हैं हम अभी, समझ गए? इस घर को धर्मशाला बना दिया है, जिसे देखो मुंह उठा के यहीं चले आते हैं और ये सब इस रोशनी। बस, पता है हमें सब कुछ, हरिओम जी ने हमें सब कुछ बता रखा है। ना खुशाई यहीं पर रहेगी, एक बात अच्छे तरह से समझ लो, घर के फैसले में आज के बाद दखल देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको तो हम बाद में देख लेंगे। बेटा
घबराना नहीं, हम आपके नाना नानी को ढूंढ लेंगे, ठीक है? रोशनी जी, नारायण की बात का बुरा मत मानना। चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। आओ नारा प्रिंस। फोन करेगी? हाँ फोन करेगी ना, क्या कहेगी? बोल बोल, मैं भी तो सुनूं क्या कहेगी। पहले भी एक बार तुमने अपने पास को फोन किया था, क्या बोला था उसने? हाँ बेटी, तुम्हारे घर का मामला है, तुम समझो, यही हो बहुत बहुत शौक है ना। हाँ मार दूंगा तुझे और तेरी माँ दोनों को। मत मारिए प्लीज, मत मारिए मुझे, मत मारिए बाऊजी, मत मारिए हमें, मत मारिए हमें बाऊजी। नखुशा नखुशा उठो, क्या हुआ नखुशा, क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अरे कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें, है ना? चल सोचो, सोचो मैं हूं ना, सोचो कुछ नहीं होगा, कम ऑन। थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा प्लीज। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। पराठे? पराठे खाओगी? गर्मा गर्म पराठे खाओ खाओ, मुफ्त का माल है, बाप ने पैदा किया है हमारा माल खाने के लिए। मेरा ध्यान मत दो, मेरी तरफ देखो। मुझे ना पुलिस स्टेशन जाना है और मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? अरे समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुम्हारी मम्मी को बचाना है, तुम्हारे नाना नानी को ढूंढना है, और यहां यहां तुम्हारे सब अपने हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन जाके जल्दी से आ जाऊंगी। यू गई और यू आई, ओके? ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हवेली में जगह कम पड़ जाएगी रहने के लिए, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये भूखे नंगे लोग यहाँ। नखुशा बेटा डरो मत, रोशनी दीदी को जाने दो, उनका जाना बहुत जरूरी है ना, और हम हैं ना तारा की मम्मी, हम आपका ख्याल रखेंगे। चलिए हम आपको खिलाते हैं। आ कीजिए। खैरातियों का ख्याल छोड़िए और घर का ख्याल कीजिए। चाय कहाँ है हमारी? बिना मेहनत के खाने वाले को खैराती कहते, मेहमान को नहीं। आपको चाय भी मिल जाएगी हमेशा की तरह। हमें चाय अभी चाहिए। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। अपने बेटे के हाथ की चाय पीजिए, उतना ही मजा आएगा। बस यही बच गया था, और हाँ अपना ये ज्ञान स्कूल के लिए बचा के रखिए, यहां नहीं। मुझे जाने दो, मुझे मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है, मुझे जाने दो। अंकल अभी तो आपको पता चल गया है ना कि नखुशा को उसकी दादी और बाबूजी से खतरा है, तो आप जाके उन्हें पकड़ सकते हैं ना। बेटी पहले पता तो चले कौन सा शक्कर को, नखुशा तो कुछ बता नहीं रही है।
और यहाँ आसपास दो शकरपुर है। शकरपुर को ढूंढने के साथ साथ हमें नखुशा के नाना नानी को भी ढूंढना होगा। बेटी को ढूंढना है ना? हम उसे ढूंढ लेंगे। और तुझे जाना है ना, तू जाएगी मगर अपनी जान से जाएगी। तू थोड़ा इंतजार कर ले। पूरे 10 साल, 10 साल मैंने दिए तेरे पीछे अपनी जिंदगी के। क्या हासिल हुआ? सिर्फ लड़की। 10 साल में लड़कों की लाइन लग जाती, लेकिन तुझसे एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। भगवान कोई ना कोई कमी रख ही देते हैं। पैसा दिया, उपजाऊ जमीन दी, लेकिन बंजर बहू दी। सारी कसर यहाँ आके निकाल ली। इसका किस्सा खत्म होना तो दूसरा ब्याह करके दिखाऊं मैं। मैं हाथ जोड़ दी हूँ, अपने बेटे को लेकर दूर चली जाऊंगी। मुझे जाने दो। हमें लगता है कि अगर हमें नखुशा के नाना नानी को ढूंढना है तो हमें फेसबुक पे नखुशा के बारे में कुछ लिख देना चाहिए, शायद कोई लिंक मिल जाए। मुझे लगता है नखुशा की आइडेंटिटी को इस तरह से जाहिर नहीं करना चाहिए, इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे लगता है सोच समझ कर ही पोस्ट करना होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। नखुशा और उसकी मम्मी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। मैम हम नखुशा की डिटेल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, उसका नाम नंबर नथिंग। मेरे पास एक प्लान है, हम ना पोस्टर्स लगाएंगे, इससे शायद हम नखुशा की नाना नानी तक पहुंच सके। पहुंचा देंगे नखुशा को भी ऊपर। तेरे पास चिंता मत कर, पहले तू फिर तेरी बेटी, फिर हमेशा हमेशा के लिए तेरा किस्सा खत्म। बस बस एक बार वो मुझे मिल जाए, एक बार नखुशा के नाना नानी मिल जाए, फिर उसकी दादी और उसकी बाऊजी का बचना इम्पॉसिबल। उस मासूम सी बच्ची नखुशा को देखिए ना, इस उम्र में दर दर भटक रही है। अरे लड़का हो चाहे लड़की, ये सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है, माँ पर नहीं। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है। ए, पानी ले गया? अभी फोन भी नहीं आया आपकी बेटी से? एक बार फोन पे बात हुई थी बस। मां मुझे यहाँ से ले जाओ। मां हमें कमला को उस नरक से निकालना होगा बाहर। मेरे पास एक प्लान है,